आजकल के बच्चे देखो कितने बिगड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं लेकिन लड़कियों से बातें कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही मेरे को। सरप्राइज हो चुका हमारा सोल्ड आउट। अब गाड़ी में सीधा डिलीवरी के बाद ही बैठेंगे। पेपर वर्क डन। आज तो मेरी लौंडिया सेक्सी लग रही है। आज तो मेकअप नहीं करके लड़कियां मेकअप भी नहीं अच्छी लगती है। हाँ यार एलविशा तो देखो कैसे पता। एलविशा तो प्रेग्नेंट हो गया भाई। तीन साल हो गए भाई। और बता दो आपका। एक महीने में मैं चार थार ले लूं। लेंगे एक महीने में एक स्कॉर्पियो निकलवा सकते हैं भैया। ये प्रतीक चौधरी हमारे ऐसे बैठे मिलेंगे आपको। जय श्री राम भाई। भाई ऐसे लड़कों पे मेरे को शर्म आती है। बाहर बैठ के गालियां बोलते हैं जिनको। ये ब्लॉग के अंदर दिखाने के लिए कुछ भी कर लेगा। क्या यार हजार का पेट्रोल आगे नहीं लेते, ऐसे घुमा के डाल दो। थोड़ा घुमाना पड़ेगा पाइप को। नहीं है आप कर रहे हो क्या? हाँ भाई। अभी भाई मैं कॉन्शियस हो गया भाई, इतने दिनों बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करी है हमने। सो गाइस वेलकम बैक अगेन। तो भाई आज हम जा रहे हैं एनसीसी वनराज बटालियन की यूनिट के अंदर, क्योंकि मेरे को लेके आनी है मेरी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट की क्या हां हां ये पता नहीं क्या करवाएगा अपने झाट के बाद नहीं काटता। सो गर्ल्स इससे बिल्कुल बातचीत बंद कर दो भाई। वेरी अनहाइजीनिक लड़का। क्यों करो ऑफ कैमरा? अभी तो मैं फॉर्म में आया नहीं करूंगा। देखने में हाय हेलो ब्रो। यार भैया आजकल के बच्चे देखो कितने बिगड़ रहे हैं, कितने बिगड़ रहे हैं आजकल के बच्चे। गाड़ी चला रहे लेकिन लड़कियों से बातें कर रहे हैं। शर्म ही नहीं आ रही मेरे को। सो गाइस हम आ चुके हैं महिंद्रा के शोरूम के अंदर। बहुत जल्द आपको एक नया सरप्राइज मिलने वाला है और उस सरप्राइज के पास हम जाते हुए गाइस एक्साइटमेंट इतनी है कि मैं तेज नहीं बोल पा रहा। कुछ ऐसा दिखेगा आपको सरप्राइज। अब समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। सरप्राइज हो चुका हमारा सोल्ड आउट। सोल्ड सोल्ड टू होम सोल्ड टू अस। गाड़ी हो तो स्कॉर्पियो वरना ना हो। इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू सिट इन स्कॉर्पियो। अब गाड़ी में सीधा डिलीवरी के बाद ही बैठेंगे। चेकआउट हो गई हमारी गाड़ी। परफेक्ट बढ़िया। अब थोड़ी डॉक्यूमेंट वर्क कर लीजिए भाई। फाइनली पेपर वर्क डन। अब गाड़ी बस लेनी बाकी है। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकला और गाड़ी घर के अंदर। हर चीज डन है। पैसे दे दिए पूरे, हर चीज कर दी। अरे भाई साहब तेरी माँ की। भाई हम इतने नालायक हो चुके हैं। हम बहन चो पहले तो इसके गली के बाहर खड़े होते थे अनन्या के, ठीक है। उसके बाद हम इसके थोड़ा सा घर से दूर खड़े होने लगे, फिर घर के बाहर खड़े होने लगे। अब बहन चोद गाड़ी घर के अंदर खड़ी कर दी। तेरे घर के बाहर खड़े है। ओए होए आज तो मेरी लौंडिया सेक्सी लग रही है। आज तो मेकअप नहीं करके आई। फैंस रू लड़कियां मेकअप भी नहीं अच्छी लगती है कुछ कुछ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जेपी के पास। ओके मैं घर जाके। क्या हाँ यार एलविशा देखो कैसे पता है। भाई देखो कैसे पता वो प्रेग्नेंट हो गया। अबे यार वो हो गया भाई एलविश यादव प्रेग्नेंट हो गया भाई। बहुत बहुत दुख हो रहा है मेरे को। एलविश यादव प्रेग्नेंट हो गया। तू फिर क्या था क्या? नहीं भाई मैं तो जयपुर में हूँ। तो तू कर देता एलविश यादव को प्रेग्नेंट? नहीं। लड़के कभी प्रेग्नेंट होते हैं क्या? चूती है रील में तो बोला था भाई। भाई हमारे भोले, इतने भोले बच्चे हमारे। इनको ये भी नहीं पता कि लड़के प्रेग्नेंट नहीं होते। अबे होते हैं पागल बकचोदी बोल रहा हूं। एंट्री रिकॉर्ड कर शेर आ रहे हैं। ओहो अभी देखना ये बाइसेप्स इसी गांड में डाल दूंगा। ये भाई प्रतीक चौधरी इस डोले के अंदर कई लड़कियों का कई लड़कियों की वो है मोटिवेशन नहीं। उठा के पेला है किसको तो ये बॉडी बन गई भाई। पागल है या उठा के पेला नहीं है, उठा के पटका है। मेरी शक्ति देखो मैं बेंचो I20 को उठा दूंगा।
लो भाई देखते हैं, आज देखते हैं प्रतीक चौधरी जाटों का नाम डुबाता है उठाता है। लेकिन ये तो यार ये तो गलत सिस्टम कर रहा है गाड़ी के साथ। इसको काट दूंगा इसको काट दूंगा। सारे व्लॉगर्स मिलके तुम्हारा चूतिया काट रहे हैं, बस तुम्हारा भाई तुम्हारा चूतिया नहीं काट रहा है भाई। ये तो मैं भी वही दिखाता हूं जो दिखाना होता है भाई। आज ही तगड़ा लग रहा है, पर्पल बेबी पर्पल। ब्रो मैं कैसा लग रहा हूं ब्रो? बाइसेप्स यार कम दिख रहे हैं पीछे से। बाइसेप्स नहीं, मैं तो बाल सेट कर रहा हूं। ओहो क्या, मैं तो बाल सेट भाई। हां सुना, ये क्या आ रहा है भाई इसके? थोड़ा सा इंटरव्यू दे दो, ब्लॉगर है हमारा बहुत बड़ा। ये बताओ कहां पर है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ। कहां पर है अपनी ये दुकान बता दो सबको। ये विद्यानगर नगर में है। क्या नाम है? पढ़ना नहीं आता क्या? ऊपर पढ़ देख लो भाई, बढ़िया जूस पीने आओ यहाँ पर, बढ़िया है। आज भैया हमें जूस फ्री में पिला रहे हैं क्योंकि हम भैया को ब्लॉग में ले रहे हैं। पिला रहे हो ना? हाँ बिल्कुल पिला रहे हैं। आज हमारे जूस फ्री में क्योंकि भैया की तरफ से और भैया को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो भैया आपकी दुकान कब से है यहाँ पे, कब से चली हुई आ रही है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए भाई, अगर तुम भी 3 साल में मेहनत करोगे और बढ़िया चल रही है, दबा दब उठ रहे हैं जूस के गिलास। टर्नओवर बता दो आपका यूट्यूबर जैसे बता दो। एक महीने में मैं 4 थार ले लूं, या स्कॉर्पियो ले लूं, फॉर्च्यूनर। आप क्या ले लो? स्कॉर्पियो लेंगे। इधर देख, स्कॉर्पियो लेंगे। एक महीने में एक स्कॉर्पियो निकलवा सकते हैं भैया, अब देख लो तुम। प्रतीक इष्टम भाई जूस की दुकान दानाशिवम हॉस्पिटल के जस्ट सामने। ये प्रतीक चौधरी हमारे ऐसे बैठे मिलेंगे आपको, आपका स्वागत करने के लिए। देख लो, जय श्री राम भाई। पारिवारिक ब्लॉग है भाई मेरा, तो गालियां बोल के खराब करेगा भाई। ऐसे लड़कों पे मेरे को शर्म आती है जो बाहर बैठ के गालियाँ बोलते हैं, जिनको शर्म ही नहीं। अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी जाट भी है। चल जाटों का थोड़ा दिमाग गर्म होता है, लेकिन ये तो नकली जाट है। पड़ी फिर भी खुले में बैठ के गालियाँ दे रहे हैं भाई। शर्म ना भाई, अरे बकचोदी कौन था ना, अरे अपन चोटी जूस की दुकान से कुछ नहीं है ये व्लॉग के अंदर दिखाने के लिए, कुछ भी कर लेगा। वन ऑन वन डुओ करेंगे। डुओ माँ चौथ नहीं है, किसकी चौथ नहीं है बता। क्या यार एंगल ही गलत है, एंगल क्या सिस्टम गलत है भाई। भारी हो गए भाई, एक काम करते हैं हम है ना, अब जाते हैं किसी लड़की के पास, तू उसके ऊपर चढ़ जाना। तेरे तो पहले चढ़ रखा।